अहम ललिता जुनेजा फरीदाबाद हरियाणा प्रांते फरीदाबाद नगरात अत्र आगता अस्मि। संस्कृत भाषणे यद्यपि अहम उपाचार्य अस्मि तथापि संस्कृत भाषणे मम गति नास्ति। संस्कृत अवगच्छामि वदामि अपि परम गति नास्ति, अतएव अहम मम पत्रम हिंदी भाषायां प्रस्तौमि। संस्कृत में बाल साहित्य, संस्कृत देववाणी देवताओं की भाषा है। लोक में हम किसी भी व्यक्ति से उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होता है। जैसे मैं अभी यदि आपसे तमिल या तेलुगु में बात करूं तो हमें आपको कितना अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार देवता भी यदि हम उनकी भाषा में यानी संस्कृत में वार्तालाप करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य का भंडार अत्यंत विशाल है। वेद उपनिषद गीता रामायण महाभारत आदि ज्ञान के भंडार हैं। इस संपूर्ण ज्ञानागार में समस्त मानव जाति के जीवन यापन का तरीका बताया गया है। बालक युवा वृद्ध सभी के लिए विपुल साहित्य इन ज्ञान कोशों में वर्तमान है। आवश्यकता है उसे समझने और चिंतन मनन करने की। सभी ग्रंथों में गुरु शिष्य परंपरा से प्रश्नोत्तर के रूप में ज्ञान कराया गया है। चाहे हम उपनिषदों को देख लें, वेदों में देखें, जहाँ भी देखें, बाद के ग्रंथों को योग वशिष्ठ आदि को रामायण महाभारत गुरु शिष्य परंपरा से कराया गया है। शिष्य प्रश्न करता है और गुरु उसका समाधान करता जाता है। संस्कृत में बाल साहित्य पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियाँ विशेष रूप से बालकों के लिए ही लिखी गई हैं। महिला रूप्य नामक नगर के राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को सिखाने के लिए ही विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। नीति कथाओं में पंडित विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र के बाद हितोपदेश का भी नाम आता है। इसके रचयिता नारायण पंडित थे। नारायण पंडित ने हितोपदेश में लोकाचार की हृदय स्पर्शी तथा मनोरम नीति कथाओं को प्रस्तुत किया है। लेखक ने इस ग्रंथ की रचना पंचतंत्र तथा कुछ अन्य ग्रंथों को आधार बनाकर की है। ग्रंथ की प्रस्तावना में वे स्वयं लिखते हैं, पंचतंत्रात तथा अन्यस्मात ग्रंथात आकृष्य लिख्यते। इस ग्रंथ का उद्देश्य पशु पक्षियों की रोचक कहानियों के माध्यम से बालकों को अनायास रूप से सामान्य लोक व्यवहार, जीवनोपयोगी राजनीति तथा नैतिक जीवन की शिक्षा देना है। इसे स्वयं ग्रंथकार ने कथाच्छलेन बालानाम नीतिस्तदीय कथ्यते इस श्लोक द्वारा प्रकट किया है। हितकारी उपदेशों का संग्रह होने के कारण ही इस ग्रंथ का नाम हितोपदेश रखा गया है। इसी कारण विद्वान लोग इसे बालोपयोगी नीति विद्या का ग्रंथ कहते हैं। नारायण पंडित ने हितोपदेश के माध्यम से बालकों की बुद्धि को परिष्कृत किया। बाल्यावस्था अत्यंत कोमल होती है। बालकों के मस्तिष्क पर छोटी से छोटी घटना भी अत्यंत प्रभाव डालती है, गहरा प्रभाव डालती है। बाल्यावस्था को मनुष्य की नींव कहा गया है। यदि नींव कमजोर होगी तो इमारत ढह जाएगी। बचपन के अच्छे संस्कार मनुष्य को अपना पूरा जीवन उत्तमता से बिताने में सहायक होते हैं। संस्कारों के आधान में संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत का तात्पर्य ही संस्कार है। संस्कृत, संस्कृति, संस्कार शब्द लगभग पर्याय ही कहे जा सकते हैं। आज विश्व में जो हिंसा, तनाव, अशांति, पर्यावरण दूषण आदि समस्याएं फैली हुई हैं, उन सब का मूल संस्कारों का ना होना ही तो है। संस्कृत अध्ययन से संस्कार अर्जित किए जा सकते हैं, न केवल अर्जित अपितु संस्कार स्वतः ही घर कर जाते हैं। अगर हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कार हमारे अंदर अपने आप ही आ जाते हैं, उसके लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। संस्कारों में ही हमारी संस्कृति झलकती है। व्यक्ति जितने भी बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाए किंतु एक अच्छा मानव बनना उसके लिए अत्यावश्यक है, तथा आदर्श मानव जो संपूर्ण मानवता के गुणों से युक्त हो वो वेदाध्ययन से ही बन सकता है। भारतीय परंपरा में बाल्यकाल से ही बच्चों को गुरुकुल में अंतेवासी बनाकर पढ़ाया जाता था, जिससे उनमें श्रमशीलता, सहनशीलता, मिलजुल कर रहना आदि गुण स्वभावतः ही आ जाया करते थे। परस्पर ये सभी गुण भविष्य में उनके व्यक्तित्व विकास के लिए स्तंभ का कार्य करते थे।
परस्पर मिलजुल के रहने के बहुत अच्छे मंत्र वेद में हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। आज कुछ पत्रिकाएं संस्कृत के क्षेत्र में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए विद्यमान हैं। संभाषण संदेश पत्रिका प्रारंभिक अवस्था में संस्कृत सीखने वालों के लिए वरदान है। इस पत्रिका में अधिकांशतः बाल साहित्य ही होता है। बच्चों के लिए कहानियाँ, कार्टून, लेख, चुटकुले आदि सभी संस्कृत में अत्यंत सरल सहज संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। इसी प्रकार रामकृष्ण मिशन में से भी कार्टून रूप में, कॉमिक्स के रूप में रामायण, महाभारत, पंचतंत्र आदि अन्य भी ग्रंथों की कहानियाँ प्रकाशित हैं, जो बालकों की संस्कृत साहित्य में रुचि बढ़ाने में सक्षम है। संस्कृत के मूर्धन्य मनीषी, बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, जो मेरे स्कूल टाइम की है, श्री मेवाराम कटारा पंख जी आज से 4 दशक पहले छोटी छोटी कविताएं बच्चों के लिए सरल सुबोध सहज संस्कृत भाषा में लिखते थे और बाद में भी वो लिखते रहे, अभी भी हैं। तो उस समय कैसे लिखी थी, चटका ब्रूते चू चू चू, और वो हमें भी प्रेरित करते थे जब हम स्कूल में थे कि तुम भी ऐसे छोटी छोटी कविताएं लिखा करो। लेकिन उसके बाद मैं पहली बार बाल साहित्य मैंने पिछली बार अरविंदो आश्रम में सर के साथ अटेंड किया, तो मुझे तब पता चला कि बाल साहित्य पर कितना काम अब हो रहा है। भर्तृहरि का नीति शतक कितने सहज सरल शब्दों में बच्चों का ज्ञान वर्धन करने वाला काव्य है। दानम भोगो नाश तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंगते तस्य तृतीया गतिर्भवति। इसी प्रकार केयुराणी न भूषयंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वान्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। और भी दुर्जनः परिहर्तव्य विद्यया अलंकृतोऽपि सन् मणिना भूषिता सर्प किम असौ न भयंकरा। इसी प्रकार चाणक्य की नीति के श्लोक भी देखिए, लोकयात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संगतिं तथा न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे च अपि न विश्वसेत कदाचित कुपितं मित्रं सर्वगुह्यं प्रकाशयेत। और भी एकेन अपि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। ये समस्त श्लोक बालक से वृद्ध तक सभी के लिए उपयोगी हैं। संस्कृत साहित्य में जो ज्ञान है वो मानव मात्र को लक्ष्य करके ही लिखा गया है। बालक का एक अर्थ यहाँ मूर्ख भी है और उसे भी विशेष प्रयास से ये ज्ञान सिखाया जा सकता है। आज कंप्यूटर के इस युग में जब सब तरफ तकनीकी आविष्कारों का बाहुल्य है, संस्कृत सिखाने के लिए भी CD, वीडियो आदि का प्रयोग किया जा रहा है। संस्कृत बाल मोदनी CD द्वारा प्रारंभिक शिक्षण जैसे वर्णमाला, सरल पद, संयुक्ताक्षर, वचन, लिंग, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण, संख्या, सुभाषित, विविध क्रीड़ा, देवनागरी लिपि शिक्षण, उच्चारण विधान शिक्षण, आकर्षक चित्र, चलचित्र आदि का निर्माण आइडिया सॉफ्टवेयर एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर ने किया है। प्रोफेसर रविंद्र कुमार पंडा ने बाल नाटक यो मद भक्त स मे प्रिय नाम से लिखे हैं। बालक के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास के लिए संस्कृत अध्ययन आवश्यक है। संस्कृत भाषा बोलना ही अपने आप में जीभ का व्यायाम है, टंग की एक्सरसाइज है आपकी संस्कृत बोलना। संस्कृत भाषा बोलने से वाक शक्ति प्रबल होती है। जिस प्रकार का साहित्य हम पढ़ते देखते हैं उसका मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संस्कृत पढ़ने से बालक के विचार सन्मार्ग की ओर ही जाते हैं। आज जो बालकों के कुमार्ग गामी होने का प्रचलन बढ़ गया है, दिन रात रोज पेपर्स पे पढ़ते हैं कि सुसाइड कर लिया, निराश हो गया, ये हो गया, बच्चों ने हमार पीट कर दी, उस पर रोक लगाने के लिए बालकों को संस्कृत भाषा तथा साहित्य का ज्ञान अवश्य कराना चाहिए। इन बालकों ने ही भविष्य में समाज तथा देश विश्व की बागडोर संभालनी है। हमारे पूर्वज हमें जिस सन्मार्ग की राह पर ले आए हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि भावी पीढ़ी को वही राह दिखाएं। पूर्वजों का ऋण चुकाने का इससे अच्छा अवसर हमें प्राप्त नहीं हो सकता। संस्कृतम रोचते मह्यम
विद्या रामनाथन द्वारा लिखित पुस्तक तथा किम अहम लघुतरो अस्मि, फिलिप विंटरबर्ग और नादजा विचमान द्वारा लिखित बालकों के लिए अच्छा साहित्य है। श्लोकास फॉर चिल्ड्रन संस्कृत DVD जो प्रोफेसर व्यागराजन द्वारा बनाई गई है तथा इसी प्रकार और भी बहुत कुछ बाल साहित्य पर लिखा जा रहा है। बालकों की संस्कृत में रुचि बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि का भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि आजकल बच्चे भी पुस्तकों से अधिक आधुनिक फ़ोन, लैपटॉप आदि पर आश्रित रहते हैं। आज की पीढ़ी को उन्हीं के मनपसंद साधनों के माध्यम से अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, संस्कृत भाषा तथा संस्कृत साहित्य का ज्ञान कराया जाना चाहिए। इस प्रकार शनै शनै रुचि जागृत होने पर वे स्वयं ही देश की प्राचीन धरोहर, भारत का सर्वस्व वैदिक ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे और अपने तथा देश, समाज और विश्व के भविष्य को उज्ज्वल बनाएंगे। एक बार यदि बालकों में रुचि जागृत हो गई तो वे पुस्तकों, ग्रंथों को पढ़ने में भी उत्साह प्रदर्शित करेंगे। ये कार्य कुछ सीमा तक तो प्रारंभ हो भी गया है, अब इसे और आगे ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्र की नींव बच्चे यदि सुदृढ़ चरित्र व्यक्तित्व वाले बन गए तो देश दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करेगा तथा ये बड़े होकर पूरे विश्व में शांति, भाईचारे के सुनहरे वातावरण को स्थापित करेंगे। गीता में जो स्थित प्रज्ञा की बात कही गई है वो बालकों के लिए कितनी उपयोगी है। प्रज्ञा का स्थिर होना यानी टिके रहना अत्यंत आवश्यक है। एकाग्रचित, ध्यानावस्थित होने की कला से ही सब कुछ पाया जा सकता है। बालक स्थित प्रज्ञ की तरह रहकर प्रत्येक मुश्किल लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ मुनि द्वारा राम को उपदेश देते हुए पुरुषार्थ का महत्व बताते हुए कहा है कि इस संसार में सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ यानी प्रयत्न, प्रयास, एफर्ट्स करने से सब कुछ मिल जाता है। जो मनुष्य, ये क्लियर लिखा हुआ है उसमें श्लोक में, जो मनुष्य जिस पदार्थ को पाना चाहता है उसकी प्राप्ति के लिए यदि वो क्रमशः यत्न करता है और साथ में शर्त लगाई कि बीज में उससे मुंह नहीं मोड़ लेता तो अवश्य उसे प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार रामायण महाभारत में राम और कृष्ण के चरित्र से बालक बहुत कुछ सीख सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा षोडश कला युक्त कृष्ण का अनुसरण कर वे अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य को विश्व की अन्य भाषाओं में अनुदित कर समस्त विश्व के बालकों के लिए इसे उपयोगी बनाना संभव है। और अभी जो चर्चा हो रही थी कि दूसरी भाषाओं के साहित्य का हम अपने में अनुवाद करें, तो उसके विषय में जो मैं सोचती हूँ कि वो साहित्य जो संस्कृत का साहित्य है वो तो मानव मात्र को लक्ष्य करके लिखा गया है, और जो बाहर का साहित्य है वो उनके अपने संस्कृति के अनुसार, उनके अपने वातावरण के अनुसार लिखा है। अगर उसमें भी कुछ ऐसा है जो मानव मात्र को लक्ष्य करके लिया गया है तो उसको संस्कृत में अनुवाद अवश्य करना चाहिए। लेकिन फिर भी जहाँ जो साहित्य लिखा जाता है वहाँ के वातावरण का, परिवेश का उस पर प्रभाव अवश्य पड़ता है और आता है। विश्व शांति में ये एक महत्वपूर्ण इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य को ये हो गया विश्व शांति में ये एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत इति कथवा विरमामि।